खंडवा बुरहानपुर के पूर्व सांसद व पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव का कांग्रेस के आला नेताओं को खलघाट आंदोलन की जानकारी नहीं देना महंगा पड़ गया। प्रस्तावित खलघाट आंदोलन से घबराए अरुण यादव के पार्टी विरोधियों ने उन्हें डैमेज करने के लिए उनके समर्थक जिला इकाइयों को भंग कर दिया। सियासी जानकारों की माने तो जिला इकाइयों का भंग किया जाना खलघाट आंदोलन का नतीजा है। अरुण यादव को अपने तो अपने, अब विरोधी दल के नेता भी इस पर चुटकी ले रहे हैं। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव के दौरान टिकट वापस करने के बाद प्रचार के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने आए पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने एक बयान दिया था कि हर बार फसल मैं लगाता हूं और काट कोई और ले जाता है। हर बार फसल मैं उगाता हूं और किसी को दे देता हूं। 18 महीने सही हुआ, उन्होंने कहा फसल दे दो, हम सब ले लो, फिर उगा देंगे। हाल ही में लोकसभा उपचुनाव में करारी हार के बाद अरुण यादव के क्षेत्र खंडवा और बुरहानपुर जिले से उनके समर्थकों वाली जिला इकाइयों को भंग करने पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अर्चना चिटनिस ने इसे कार्यकर्ताओं का अपमान बताया था और फसल उगाने और काट कर कोई और ले जाने के बयान को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, अब तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में अरुण यादव की सियासी पराली भी नहीं बची। कांग्रेस के ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी जो पूर्व सांसद भी हैं, उनके ही श्रीमुख से हम समय समय पर ये सुनते रहे कि मैं फसल लगाता हूं और कोई काट ले जाता है। और चार जिलाध्यक्षों को इस प्रकार से अपमानित करते हुए या आरोपित करते हुए, क्या कहा जाए वो शब्द मेरे पास नहीं है। अब तो ये कह सकते हैं कि फसल तो उनकी दूसरे काट ले जाते रहे पर अब तो पराली भी नहीं बची उनके लिए। इधर बुरहानपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष और अरुण यादव के खासम खास अजय सिंह रघुवंशी खुद को पद से हटाने की वजह खलघाट आंदोलन से जोड़कर देखे जाने से साफ इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि खलघाट आंदोलन प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ है और पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव इस आंदोलन में कांग्रेस के सभी आला नेताओं को आमंत्रित करेंगे। खलघाट आंदोलन तो भाजपा के खिलाफ है। खलघाट आंदोलन में सभी, जब अरुण यादव जी स्वयं पूर्व पीसीसी अध्यक्ष हैं तो सभी को बुलाएंगे, सभी को करेंगे। अभी कोई तारीख पक्षी सुनी हुई है तो ये खलघाट आंदोलन तो सरकार के खिलाफ का आंदोलन है, तो इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं लगता। वहीं स्थानीय सियासी जानकारों के अनुसार अरुण यादव के खलघाट आंदोलन से कांग्रेस के बड़े नेता टेंशन में हैं। अरुण यादव को डिस्टर्ब करने के लिए ताबड़तोड़ उनके समर्थक जिला इकाइयों को भंग किया गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होगा। देखिए, कहीं ना कहीं हाईकमान को खलघाट आंदोलन को लेके टेंशन तो है कि अगर खलघाट आंदोलन सक्सेस हो गया तो अरुण यादव जी अपना प्रभुत्व पार्टी में जनाधार जो है साबित करने में जो है वो सफल हो जाएंगे। तो कुछ जो इनके विरोधी लोग हैं वो ये कोशिश में लगे हैं कि इनको डिस्टर्ब करें और खलघाट आंदोलन से इनका ध्यान हटाएं। देखिए, दो चीज़ें, एक तो जो चुनाव हुए थे जब से अटकलें लगाई जा रही थी कि अजय भाई को हटाया जाएगा और कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो अरुण भाई से कुछ खफा खफा से चल रहे थे और उसका असर अब जो है धरातल पर दिख रहा है। परंतु जो मुझे समझता है, जितनी मेरी समझ है, ये टाइम पार्टी का जो है बहुत विकट समय चल रहा है, पार्टी दिख नहीं रही है और ऐसे समय पर अगर अपने नेताओं को गुटबाजी में ये उलझ जाएगी तो कहीं भी पार्टी दिखेगी नहीं। बुरहानपुर से इमरान साहब की रिपोर्ट।